दर्शन करने, पूजन अर्चन करने और उनसे अनुमति लेने के लिए प्रांगण में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का नाम लेना ही सहस्र नामों के पुण्य की प्राप्ति कराता है। भगवान विष्णु के साक्षात अवतार भगवान श्री राम का नाम लेना ही, मात्र नाम लेना भर ही लोगों के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए। श्रद्धावनत हैं, साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने, और यह भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भगवान श्री राम को के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके अनुमति लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और वह शुभ घड़ी, वह युगांतकारी क्षण भी अब समीप है जब दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए, ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है। राम नमः, जब नहीं लेना तो कैसे करें। रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से
संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं, और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की, पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के, पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का, रामलला मंदिर के विराजमान और साथ ही साथ इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई, पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र दो अक्षर नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है, राम हमारी एकता और अखंडता है, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री, वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते, हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वह हमेशा पुरुषों में